First of all, subscribe my YouTube channel and press bell icon to get latest video updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमेशा की तरह एक और वीडियो, एक और टीवी, एक और फॉल्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टीवी को रिपेयर करेंगे जिसके डिस्प्ले में काफ़ी प्रॉब्लम है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि इस टीवी का जो डिस्प्ले है काफ़ी गड़बड़ा रहा है, और ऊपर से भी तस्वीर कम है, नीचे से भी तस्वीर कम है, और सेंटर में जो है थोड़ा सा डिस्प्ले है वो भी ठीक नहीं आ रहा। तो आज की इस वीडियो में हम इस टीवी को रिपेयर करने वाले हैं और आपको बताएँगे कि इस टीवी का जो है फॉल्ट कैसे ट्रेस किया गया। तो फॉल्ट हमने इस टीवी का ऑलरेडी ट्रेस कर लिया है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है ताकि आपको भी समझ आ सके कि इस किस्म के फॉल्ट में टीवी का फॉल्ट जो है वो कैसे ट्रेस किया जाता है। तो सारी बातें जो है मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको इस फॉल्ट से रिलेटेड सारी मालूमात जो है वो मिल सकें। तो हमने इस फॉल्ट को ट्रेस करते हुए सबसे पहले हमने इसकी मेन जो पावर सप्लाई है उसकी आउटपुट सप्लाई जो है उसकी वोल्टेज चेक की है। आउटपुट सप्लाई में मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, चार किस्म की डायोड लगे हुए हैं, चार यानी कि सप्लाइयाँ हैं इसमें। एक तो हो गई मेन 110 वोल्ट की सप्लाई, वो बिल्कुल ओके थी। इसके बाद हो गई 26 वोल्ट की सप्लाई जो कि वर्टिकल आईसी के लिए होते हैं, वो हमने चेक की, वो भी बिल्कुल ओके थी। इसके बाद होती है 12 वोल्ट की सप्लाई जो कि रेगुलेटर आईसीस को मिलने वाली होती है, यानी कि उनको मिलती है। तो जब हमने इसके 12 वोल्ट चेक किए यहाँ पर, तो ये भी बिल्कुल ओके आ रहे थे। इसके बाद चौथी होती है साउंड आईसी की सप्लाई 14 वोल्ट की, तो वो तो बिल्कुल ओके थी, उसका प्रॉब्लम ही नहीं है। मेन अगर प्रॉब्लम आ सकता था तो इन दो सप्लाईज में आ सकता था, 26 वोल्ट वाली या 12 वोल्ट वाली सप्लाई। तो ये दो सप्लाई तो बिल्कुल ओके निकली। अब हमने सप्लाई को कंफर्म कर लेने के बाद हम आगे बढ़े इसके वर्टिकल सेक्शन की तरफ। वर्टिकल सेक्शन में एक कैपेसिटर होता है, मैंने पिछली कुछ वीडियोज़ में आपके साथ ये फॉल्ट शेयर किया था कि यहाँ पर एक कैपेसिटर होता है, अगर ये कैपेसिटर वीक हो जाए तो उस सूरत में भी टीवी का डिस्प्ले या छोटा हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा या बिल्कुल ही जो है बिल्कुल छोटा डिस्प्ले आने लग जाता है। तो इस कैपेसिटर को भी हमने यहाँ पर कंफर्म किया, तो ये कैपेसिटर भी ओके था, यानी कि हमने इस कैपेसिटर के ऊपर दूसरा कैपेसिटर लगाकर जब देखा तो उस सूरत में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इसके डिस्प्ले में। तो इसका मतलब ये था कि ये कैपेसिटर भी अपनी जगह पर सही काम कर रहा है। तो अब दो इसके सेक्शन हमने चेक कर लिए, तो इन दोनों का किसी किस्म का फॉल्ट ना निकला। तो अब हमने सोचा कि इसका तीसरा सेक्शन भी फॉल्टी हो सकता है, और तीसरा सेक्शन बहुत ही अहम सेक्शन होता है, और वो होता है रेगुलेटर्स आईसी वाला। रेगुलेटर आईसी तकरीबन टीवी, हर किस्म के टीवी में रेगुलेटर आईसीज होते हैं, तो ये एक चाइना की किट है, इसमें भी रेगुलेटर्स आईसी हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके रेगुलेटर्स आईसी कहाँ लगे हुए हैं, और बाज़ किटों में रेगुलेटर आईसीज होते हैं जैसे 7805 या 7809 रेगुलेटर आईसी लगे होते हैं, लेकिन बाज़ चाइना की किटें ऐसी हैं जिनमें ट्रांजिस्टर के ज़रिए वोल्टेज रेगुलेट किए गए हैं। तो ये किट भी इसी किस्म की एक किट है, इसमें रेगुलेटर्स आईसीज की बजाय ट्रांजिस्टर वाली जो है सप्लाई, रेगुलेटर सप्लाई बनी हुई है, यानी कि ट्रांजिस्टर के ज़रिए स्टेबलाइजेशन की जाती है इसके वोल्टेज की। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसके रेगुलेटर ट्रांजिस्टर जो हैं वो कहां पर लगे हुए हैं, और जब हमने इसके वोल्टेज चेक किए रेगुलेटर्स के, तो उनमें से जो एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर था उसमें जो है वो गड़बड़ आ रही थी, जबकि इसका 9 वोल्ट का जो रेगुलेटर था वो बिल्कुल ओके था। 5 वोल्ट के रेगुलेटर में वोल्टेज कम आ रहे थे जिसकी वजह से इस टीवी का डिस्प्ले इस किस्म का आ रहा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जब हमने वोल्टेज चेक किए इसके यहाँ पर ट्यूनर के 5 वोल्ट वाली पिन पर, तो यहाँ देखें 2.8 वोल्ट आ रहे हैं। जब हमने यहाँ पर वोल्टेज चेक किए तो वोल्टेज कम होने की वजह से हमें मालूम हुआ कि इसका तो रेगुलेटर्स का फॉल्ट है। हमने 9 वोल्ट भी इसके कन्फर्म किए तो 9.5 वोल्ट यहाँ पर आ रहे थे, तो ये तो थे ओके। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जो दो रेगुलेटर्स हैं उनमें से एक रेगुलेटर ख़राब है। 9 वोल्ट वाला रेगुलेटर ओके है, 5 वोल्ट वाला रेगुलेटर ख़राब है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसके रेगुलेटर कहां लगे हुए हैं। ये वाले दो रेगुलेटर लगे हुए हैं, ये इसकी आउटपुट पिन है, यहां पर 5 वोल्ट आने चाहिए थे जबकि यहां पर वोल्टेज आ रहे हैं कम 2.9 वोल्ट, और ये 9 वोल्ट का रेगुलेटर, तो ये अपने वोल्टेज पूरे दे रहा है, और फॉल्ट जो है इस रेगुलेटर का आ रहा है इस टीवी में।
ये देखें, ये 9 वोल्ट का बिल्कुल ओके है, जबकि 5 वोल्ट वाला जो है वो गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पर 5 वोल्ट आने चाहिए थे, यहाँ पर आ रहे हैं 2.8 वोल्ट। तो इसी ट्रांजिस्टर की वजह से जो है वो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांजिस्टर वाली यहाँ पर रेगुलेटर सर्किट लगा हुआ है, तो इसमें अभी आपको दिखाता हूँ मैं ये वाला ट्रांजिस्टर जी, ये 5 वोल्ट को रेगुलेट करता है, तो ये ट्रांजिस्टर इसका ख़राब हो चुका है। अक्सर किटों में ये साउंड आईसी के बिल्कुल करीब लगा हुआ होता है, और अक्सर किटों में थोड़ा सा वक्फे से भी लगा होता है, वो किट की बनावट के हिसाब से जो है इसकी सेटिंग की हुई होती है। तो मैं इस ट्रांजिस्टर को जो है बाहर निकाल रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये किस नंबर का ट्रांजिस्टर है यहाँ पर लगा हुआ। तो जब इसका ट्रांजिस्टर हमने बाहर निकाला है तो ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर देखें आप 2373 इसका नंबर है ट्रांजिस्टर का, 2373। तो ये ट्रांजिस्टर जो है वो ख़राब है, और अब हमने इसकी जगह पर ट्रांजिस्टर जो है वो तब्दील करना है। ट्रांजिस्टर को तब्दील करेंगे और फिर से वोल्टेज चेक करेंगे और टीवी को भी चेक करेंगे इसका डिस्प्ले ओके हुआ या नहीं। तो मेरे पास 2373 का अल्टरनेटिव ट्रांजिस्टर पड़ा है, 2655 नंबर का, तो ये उसका अल्टरनेटिव है, तो मैं इसकी जगह पर 2655 लगा रहा हूँ। इसके अलावा C1383 तो वो भी इसका अल्टरनेटिव है, तो अगर आप चाहें तो वो ट्रांजिस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा C945 छोटा ट्रांजिस्टर होता है, वो भी अल्टरनेटिव इसका हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा हीट होगा, इसलिए मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप यहाँ पर 2655 या 1383 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये काफ़ी जो है रिलायबल होगा, यहाँ पर काम सही करता रहेगा काफ़ी अरसे तक। तो मैंने जो ट्रांजिस्टर लगा कर जो है इसका सोल्डरिंग कर दी है, अब इसका दोबारा से मैं वोल्टेज भी चेक करता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पर इसके आउटपुट जो पिन है वहाँ पर इसके वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, तो 5.23 वोल्टेज जो है यहाँ पर अब जनरेट हो रहे हैं, जो कि पहले 2.8 या 2.9 वोल्टेज आ रहे थे। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये ट्रांजिस्टर ही फॉल्टी निकला है इस किट में। और इसका अब डिस्प्ले भी आपको दिखाता हूँ, तो डिस्प्ले भी आप देखें कि फुल हो चुका है, फुल डिस्प्ले इसका आ चुका है टीवी का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।